की आज़ादी में जहां हिंदी ने कहानी, लेख, कविता, नाट्य आदि के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वहीं आज हमारा समाज भारत एक भेड़ चाल देश है, इस कहावत को पूरी करता दिखाई दे रहा है। मॉडर्नाइजेशन जैसा शब्द जिसका अर्थ बिना जाने हम सब बस आग मूंदे उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी धरोहर, अपने इतिहास का खुद ही मजाक बना रहे हैं। हिंदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता, उसकी वास्तविकता से भेंट कराने का बीड़ा हिंदी भवन और युवा मंच के साथ न्यूज़ व्यूज 360 की पूरी टीम ने उठा लिया है। हिंदी जिसके भीतर भारत का पूरा इतिहास समाया हुआ है, जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा आज हम आज़ादी के इस क्षण को जी रहे हैं। भारत की दुर्दशा जैसी रचना के द्वारा भरत तेंदु हरिश्चंद ने देश की हो रही दुर्दशा को सबके सामने साझा किया और समाज को ठोस कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। भरत तेंदु जी ने हिंदी भाषा की महत्वता को समझकर अपनी रचनात्मक लेखनी से उसे नए आयाम दिए हैं। हमारे देश के अन्य दिग्गज जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हिंदी में कविताएं लिखकर समाज को जागरूक किया है, और वहीं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हिंदी के प्रखर वक्ता के रूप में विदेश में जाकर अपने देशवासियों को हिंदी में संबोधित करते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण दर्जा दिलाते हैं। तो चलिए हम आप एक कदम उठाते हैं। जिस प्रकार हम अन्य भाषाओं को महत्व दे रहे हैं, उसी प्रकार अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को उसका सम्मानित स्थान देते हैं, तो हम उसकी खोती हुई वास्तविकता को नए आयाम दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है।